दबंगों ने रास्ते पर की बाउंड्री वॉल, वार्ड क्रमांक 12 के रहवासी हो रहे परेशान, तहसीलदार और सीएमओ से की शिकायत। शिवपुरी जिले के बैराड़ कस्बे के वार्ड क्रमांक 12 के रहने वाले रहवासी एकत्रित होकर आज तहसीलदार एवं नगर परिषद सीएमओ के पास पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दबंगों के द्वारा की गई रास्ते पर बाउंड्री वॉल को हटवाए जाने की गुहार लगाई। वार्ड क्रमांक 12 के रहवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलोनी में आने वाले रास्ते पर दबंगों ने तीनों तरफ से बाउंड्री वॉल करके रास्ता बंद कर दिया है, जिससे रहवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता बंद होने के कारण रहवासी पीने के पानी लाने के लिए भी तरस रहे हैं, जहां आज रहवासियों ने इसको शिकायत तहसीलदार और नगर परिषद सीएमओ से करते हुए बाउंड्री वॉल हटवाए जाने और रास्ता खुलवाए जाने की गुहार लगाई है। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई आपका? बैगन थी। तो क्या कुछ मामला है आपका? आपका जो मामला है कि वो पहले को रास्ता अब 3 दिन तक कोठरी और हमने रास्ता चाहिए और प्यासे मर रहे हैं, परेशानी भी आ रही थी, परेशानी भी आ रही है, पानी कहाँ से लाए हम? तो मतलब आपका रास्ता बंद हो गया, इसलिए टैंकर वगैरह कुछ नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा। तो इसकी शिकायत आपने और कहाँ की है? तहसील द्वारा। तो क्या बोला? बोल रहे हैं तो आपने इसकी सीएमओ साहब से शिकायत नहीं की? नहीं करी। क्या नाम है तुम्हारा? राम गोपाल कुशवाहा। तो आज तहसील पर आप इकट्ठे हो गए हो? भाई साहब 3 दिन से रास्ता बंद कर दी, पहले से खुला ही सगा, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, अब बंद कर दी 3 दिन से। किसने बंद कर दी है? ये प्लॉट था इसकी, उसने कर दी। तो एक कहाँ की घटना है ये? दोरिया रोड पे, वार्ड नंबर 12। तो इसकी आपने कहीं शिकायत की है? और भी की थी। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है आपने? तहसीलदार। क्या बोला तहसीलदार साहब? निकलवा भी बोल दो। निकलना चाहिए मान्य तो, और कुछ नहीं चाहिए। श्रीमती तो आज तहसील पर आप किस लिए आई है? मैं रास्ता के लाना है। क्या समस्या है तुम्हारी? बंद है गई। कैसे? सफाई इसमें तो मैंने करने बो नहीं है रास्ता, दूसरे को हम ना कैसे ले दें, बंद कर दिए प्लॉटन वाले ने। वो माना दो रास्ता निकलना चाहिए, एक उगती है एक जो है।